मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा से झगड़े के बाद से कॉमेडियन सुनील ग्रोवर द कपिल शर्मा शो के सेट से नदारद हैं। उनका साथ देते हुए अन्य कॉमेडियंस ने भी शो से किनारा कर लिया। हाल ही में कपिल शर्मा ने अपने शो पर ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। शो पर परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन सुनील कहीं भी नजर नहीं आए। ध्यान देने की बात ये भी है कि सुनील ने सोशल मीडिया पर भी कपिल शर्मा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं नहीं दी। इस बार लगता है कि सुनील ग्रोवर कपिल के साथ मैचअप करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ सुनील ने ही नहीं बल्कि शो में नानी का किरदार निभा रहे अली असगर और कपिल के बचपन के दोस्त चंदन प्रभाकर ने भी कपिल को विश नहीं किया। हालांकि बम्पर का किरदार निभा रहे कीकू शारदा ने कपिल को बर्थडे में जरूर विश किया है। कीकू ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हैप्पी बर्थडे ब्रदर, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी मेकिंग द वर्ल्ड लाफ, देयर कुड बी नो बेटर जॉब, रिस्पेक्ट। खैर, कपिल ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपने जन्मदिन के मौके पर ऐसा दौर देखना पड़ेगा। हर बार की तरह इस बार कपिल अपने कॉमेडी परिवार के साथ खुशी से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए होंगे। वैसे तो कपिल एक बेहद कामयाब कॉमेडियन और एक्टर हैं। इतना ही नहीं, कपिल ने अपनी गर्लफ्रेंड गिनी चतुरथ के साथ भी राजस्थान में अपनी आने वाली फिल्म फिरंगी के सेट पर बर्थडे सेलिब्रेट किया। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। गिन्नी ने कपिल के साथ फोटो भी शेयर करते हुए लिखा था, हैप्पी बर्थडे कपिल शर्मा, यू आर द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी बाय गॉड, कीप प्रोग्रेसिंग एज यूजुअल। गिन्नी ने आगे ये भी लिखा कि सुनील शुड बी बैक। फिलहाल आपको बता दें कि फ्लाइट में हुए झगड़े के बाद से सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा का शो छोड़ दिया है और वो वापस आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कई खबरें आई कि सुनील ग्रोवर शो में वापस लौट रहे हैं, लेकिन सुनील ग्रोवर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में इन बातों का खंडन किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।